देश ममता की बात कर रहा है मैडम आजकल। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव कम नहीं हो रहा है। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को सोमवार यानी कि आज सुबह ही 10 बजे दिल्ली तलब किया था, लेकिन अभी तक अलापन के दिल्ली पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। अब केंद्र सरकार अलापन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, ये आज का अपडेट है। लेकिन इससे पहले बहुत बड़े डेवलपमेंट है वेस्ट बंगाल के और केंद्र के बीच में जो तनतनी चल रही पिछले कई दिनों से, इस पर मेरे खास मेहमान एवं सीनियर जर्नलिस्ट पुष्पेंद्र जी रोशनी डालेंगे जो पिछली बातें हुई हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पुष्पेंद्र जी प्लीज आप सभी का इंट्रोडक्शन भी करा दीजिए एंड ओवर टू पुष्पेंद्र जी। थैंक यू मनविंदर जी, प्रदीप अरोड़ा जी और भाई अनिल गुप्ता जी, दोनों का स्वागत। आपने समय निकाला और हमारे साथ बातचीत के लिए आए हैं। जो बात, जो विषय आज मनविंदर जी ने रखा है, ये इसलिए हॉट टॉपिक है कि इससे बहुत सी चीजें परिभाषित होती हैं और विशेषतः भारत जैसे देश में जो प्रजातांत्रिक है और संघीय ढांचे के आधार पर देश चलता है। ममता कोई दो निजी व्यक्तियों के बीच की तकरार के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये केंद्र और राज्य के बीच की तकरार बनके उभर जाती है और इसका हमारे संघीय ढांचे पर सवाल खड़े होते हैं और संकट भी खड़ा होता है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, अब तक जो हुआ उसमें दोनों पक्षों का क्या कहना है, किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने या किसी बात को करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। अलपन बंदोपाध्याय तो एक टूल के रूप में सामने आए हैं, पर सब जानते हैं कि यह झगड़ा अब नहीं, चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत गर्मजोशी से वहां मैदान में उतरी और एक प्रोपेगेंडा, एक प्रचार भी ये हो गया कि शायद ममता दीदी हार जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद वहां बन जाए, इसी तरह का भरोसा गृह मंत्री प्रधानमंत्री वहां देते भी रहे। जो आंकड़े आ रहे थे पहले, जो ओपिनियन पोल आ रहे थे वो भी कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो कुछ और थे और उन नतीजों से इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को निराशा जरूर हुई होगी। दिलासा देने के लिए कहा जा सकता है कि हम पहले 3 सीटों पर थे और अब इतनी सीटों पर आ गए, ये भी कहा जाता रहा, लेकिन जिस मुद्दे पे आज हम बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसने जन्म लिया जास तूफान के बाद, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहां राज्य का दौरा करने गए। इससे पहले ताऊते तूफान जो पश्चिमी तट पर आया था उससे केरल, महाराष्ट्र, गुजरात बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री ने गुजरात के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया था। केरल और महाराष्ट्र वो नहीं गए थे, गुजरात को अच्छी आर्थिक सहायता भी उन्होंने दी। अब जब यास तूफान आया तो उन्होंने इससे प्रभावित राज्य उड़ीसा और बंगाल का दौरा किया। उड़ीसा में जो यात्रा का प्रोटोकॉल होता है, वहां के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने भी 500 करोड़ रुपए की सहायता वहां दी, जिसे उन्होंने नवीन पटनायक ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया, लेने से इनकार कर दिया, शायद वो रकम बहुत थोड़ी थी। लेकिन दूसरा बंगाल राज्य ममता दीदी का है, जो बहुत आक्रामक, बहुत एग्रेसिव है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की मांग करी, बदले में 500 करोड़ रुपए की बात की गई है। झगड़े की बात जहां तक है वो ऐसे शुरू हुई कि प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो वो पूर्व निर्धारित होता है और एक प्रोटोकॉल उसका होता है, सबको बता दिया जाता है, एक एक मिनट दर मिनट का कार्यक्रम तय होता है। ममता बनर्जी वहां देर से पहुंची और जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया उसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और सारे लोगों ने एक स्वर से उसकी आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार अपमानजनक है और एक प्रजातांत्रिक देश जिसके संवैधानिक ढांचा, जिसका संघीय ढांचा ऐसा हो, वहां ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरा सम्मान दिया, वो जब वहां उड़ान भरने वाली थी, जाने वाली थी,
तो उनके हेलीकॉप्टर को 20 मिनट इसलिए रोका गया कि वहां सुरक्षा उपायों से वो नहीं जा सकती, और जब वो वहां पहुंच गई तो उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया सुरक्षा कारणों से। एक तरफ तो ये बात उचित लगती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका हल भी ये था कि जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो आपको वहां पहले पहुंच जाना चाहिए था। ममता बनर्जी का यह भी दावा है कि उनकी भेंट प्रधानमंत्री से हुई, उन्होंने उन्हें सारे दस्तावेज सौंपे और 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का कहीं अपमान नहीं किया, प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक उन्होंने ये निवेदन किया कि उन्हें दीघा में बाढ़ प्रभावित इलाके में एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो कृपया उन्हें जाने दिया जाए। कौन सच्चा कौन झूठा ये अलग बात है, लेकिन दोनों पक्ष किस तरह से रहे। अब आते हैं अर्पण बंदोपाध्याय पर। इन्हें अभी सेवा विस्तार मिला था जो केंद्र की सहमति के बिना नहीं मिलता है। ममता बनर्जी का तर्क है कि ऐसे में उन्हें दिल्ली तलब कर लेना या दिल्ली बुला लेना उचित नहीं है। पहले तो ये कि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को सलाह करनी चाहिए, तब किसी अधिकारी को बुलाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि इस समय पे कोरोना और यास तूफान की आपदा से ग्रसित पश्चिमी बंगाल को ऐसे मुख्य सचिव ऐसे प्रमुख सचिव की जरूरत, उन्हीं यही चीजें साझा की गई हैं, उससे लड़ने की जो रणनीति बनाई गई उसमें वो खास स्थान रखते हैं, ऐसे में उन्हें दिल्ली भेजना उचित, और उन्होंने उन्हें रिलीव करने से इनकार कर दिया है। ये ताजा हालात है। हम एक पत्रकार हैं, हम किसी पक्ष में नहीं है और हम ये भी नहीं कहना चाहते कि कौन सही कौन गलत, लेकिन सारे तथ्य उजागर करना जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। मैं पहले संघ से जुड़े रहे और पूर्व व्यापार कर अधिकारी श्री अनिल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वो अधिकारी भी रहे हैं, सेवा में रहे हैं, इस तरह से किस तरह से कानून है, क्या उनकी नजर में उचित है, क्या पार्टी ने गलत किया, क्या पार्टी ने सही किया, कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें, बाद में हम प्रदीप अरोड़ा जी से इसका जवाब देंगे। श्री अनिल गुप्ता जी। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। समस्या सबसे बड़ी, यहाँ पर शब्द कोई भी प्रयोग करें, मेन बात यह है कि पिछले काफी टाइम से ममता दीदी को ऐसा लग रहा है जैसे मानो पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा ना होकर कोई अलग राज्य है, अलग देश है, और वो इसी ढंग से व्यवहार करती है। पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी जितने प्रमुख संवैधानिक हैं उनके लिए प्रोटोकॉल है, जब वो किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री की ये एक प्रोटोकॉल के तहत उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रधानमंत्री के अगवानी में रहें। लेकिन ये मीटिंग पहले से तय थी, पश्चिम बंगाल के यास प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिए थी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि उचित तो ये रहता कि प्रधानमंत्री के बैठक में पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री और उनके मुख्य सचिव को वहां पर मौजूद होना चाहिए था और उनको वहां पर उनका स्वागत करना चाहिए था, तब वहां पर अपनी बात वो रखते। पहले तो आधा घंटा लेट पहुंचे, अब वो कह रहे हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने की इजाजत दी गई, हमारे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा कारणों से रोक लिया गया। ये सुरक्षा कारण ये कोई आज या पर उस दिन स्पेशली इनके लिए बनाए गए थे, ये सारे के सारे पहले से बने हुए हैं और सारे सिस्टम का पार्ट है, सारे प्रशासनिक अधिकारी उनको जानते हैं, सबको पता है कि ब्लू बुक के क्या रूल्स हैं, और मुख्य सचिव को जिनकी सर्विस लगभग 35-36 साल की सर्विस हो गई उनको इस बारे में ना पता हो कि क्या प्रोटोकॉल है क्या रूल्स हैं, तो ये स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति को खुद केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले ये 3 माह का सेवा विस्तार दिया हो है, उसके लिए ये भी हम ये नहीं कहते कि वो उस एहसान का बदला चुकाते, लेकिन उनको तो कम से कम प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पर मौजूद होना चाहिए था। आखिर जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं, IAS, IPS, IFS, वो सब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति उन सबके नियुक्ति अधिकारी होते हैं, उनको उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो भी केंद्र सरकार ही करती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस बात का पता होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के साथ में वो इस प्रकार का अगर व्यवहार करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहले भी अच्छा ममता जी गलत चीजों को हमेशा प्रश्रय देती रही हैं। पहले कलकत्ता के पुलिस आयुक्त से जब जांच करने के लिए सीबीआई पहुंची
तब वो वहां पर अपने दलबल के साथ में पहुंच गई और वहां जाकर धरना देकर बैठ गई। इसी तरह से अभी दिनों चार मंत्रियों को उनके गिरफ्तार किया गया तो वहां सीबीआई के अंदर जाकर वो बैठ गई और वहां जाकर पूरे दिन उन्होंने धरना दिया। तो ये जो उनका व्यवहार है ये अमर्यादित और जिसे कहा जाए कि सामान्य शिष्टाचार के विपरीत है, जो एक मुख्यमंत्री को, एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और उसके बाद में फिर वो बहानेबाजी करें दुनिया भर की, भाई ठीक है आपने 20,000 छोड़ 20 लाख करोड़ की डिमांड करते, उसका आप डिटेल बना के भेजते ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग के अंदर केवल वहां पर गए, कागज पकड़ा और उठ चले आए हैं, तो ये कोई सिस्टम का तरीका नहीं है। और केंद्र सरकार का यह विशेषाधिकार है कि वो किसी भी अधिकार को अपने यहाँ प्रतिनियुक्ति पर बुला सकता है। अगर उन्होंने आदेश दिया है तो डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार मुख्य सचिव को उसको मानना आवश्यक था। अब अगर मुख्य सचिव वहां ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे तो अन्नदाता है, मेरे तो सर्वेसर ममता दीदी है और केंद्र सरकार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो एक जानबूझ के अपने लिए एक परेशानी की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मामले में दोनों ही का व्यवहार बहुत मर्यादित नहीं रहा है। अनिल जी बहुत आपने उचित बात कही। हमारे साथ प्रदीप अरोड़ा जी क्या लाइन पर है? कनेक्शन शायद से डिस्कनेक्ट हो गया है, टेक्निकली हमारे साथ नहीं है, मैं फिर से जोड़ रही हूँ उनको। जी प्रदीप जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शिक्षाविद है, जो मैंने पहले तथ्य बताए उसके बाद में अनिल गुप्ता जी ने एक पक्ष रखा कि क्या प्रोटोकॉल है और क्या सामान्य आचार व्यवहार और मर्यादा है। प्रदीप जी आपका क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सही क्या गलत आपको लगता है? प्रदीप जी कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। पुष्पेंद्र जी पहली बात तो ये है कि हम लोग कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हम लोगों का ममता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ रहना एक आम नागरिक का कर्तव्य है और अधिकार भी है। इसी नाते से हम लोग इस बारे में बात करते हैं। बहुत स्पष्ट सी बात है, किसी आदमी को आप रोज रोज उसके साथ बदतमीजी करना, रोज रोज उसकी बेइज्जती करना, आपको पहले से यह मालूम था कि हमको वहां सरकार बनानी है, सारे सर्वे ये बता रहे थे। जब सर्वे सारे और उसके अलावा भी कितना कोविड देश में फैला, लेकिन लगातार मोदी जी 2 लाख की बिना मास्क के 2-2 लाख की 3-3 लाख की रैलियों में प्रचार करते रहे। उनको तक लग रहा है 2 लाख और 3 लाख की रैली अगर हो रही है, क्या भले ही वो खरीद के लोग लाए हुए हों, पैसा देके लाए गए, रैली तो हो रही थी, उनको लगा कि यहाँ सरकार बननी बिल्कुल निश्चित। तो जिस दिन से ममता की सरकार बनी है उस दिन से उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करने का प्लान लगातार ये बना रही है। अब जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, उस अधिकारी ने जो चीफ सेक्रेटरी बंदोपाध्याय जी थे, वहां पर जब ममता जी पहुंची तो वहां पर एक विधायक जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, जो प्रोटोकॉल के तहत सिंपल एमएलए उस मीटिंग में नहीं बैठ सकता, वो पीएम ने अपने बगल में बिठा रखा था। वो प्रतिपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है वो, लेकिन आप प्रोटोकॉल देख लीजिए, प्रोटोकॉल में क्लियर आप पढ़ लीजिए, प्रोटोकॉल में जब ममता से मीटिंग होगी सीएम से तो सीएम से बातचीत होगी, उसमें कोई अधिकारी है नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, ये बेकार। आप प्रोटोकॉल पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है प्रोटोकॉल, मैंने प्रोटोकॉल पढ़ा है। ममता जी के द्वारा पहले से नहीं उठाई गई, ममता जी ने उसको ऑब्जेक्शन किया, चीफ सेक्रेटरी ने यह बात कही, चीफ सेक्रेटरी ने सारे अधिकारियों से कहा कि कृपया इनको हटा दिया जाए वहां से, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी, चीफ सेक्रेटरी किसी ने नहीं सुनी। तब मजबूरी में ममता ने पूरा 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 अपना चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से पूरा कागज लिया, पूरा सर रिपोर्ट दी और उसके बाद उनसे कहा कि मुझे दीघा जाना है। उसके बाद उन्होंने अलाउ करने का ठीक है, उन्होंने कहा मुझे दीघा जाना है, वहां भी इसी बारे में मीटिंग है, वहां भी बहुत विनाश हो चुका है। तब वहां से कहकर कागज देके तब ममता जी वहां से निकली। और देखिए जहां तक सवाल मिशन का है, अभी तो लंबी लंबी गुप्ता जी ने बता दी, मैं बड़े हैं मुझसे उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे ये बताइए 23 सितंबर 2013 को एक मीटिंग मनमोहन सिंह जी ने कॉल की थी, याद होगा आपको, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। उस मीटिंग में माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल के कह के स्किप किया था कि मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा। तब प्रोटोकॉल कहाँ चला गया था, तब पीएम का सम्मान कहाँ चला गया था? 13 सितंबर 2013 याद कीजिए, 23 सितंबर, तब प्रोटोकॉल कहाँ चला गया था? तब प्रोटोकॉल याद नहीं आया था। आज ममता को क्योंकि वो सरकार बन गई, उनको हटाना था, प्रोटोकॉल याद आ गया। तो पिछले 7 साल में ममता जी ने प्रधानमंत्री की कितनी मीटिंग में गैर हाजिर रही? अरे मुझे ये बताइए, वो 2013 में मीटिंग किसने छोड़ी थी?
उदाहरण किसने दिया था, एग्जाम्पल किसने सेट करी थी, एग्जाम्पल रमन सिंह ने भी छोड़ी थी, खाली उन्होंने नहीं दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी के, ये एग्जाम्पल किसने दिया था, ये परंपराएं किसने डाली थी, ये भी तो बता दीजिए, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। मनमोहन सिंह पीएम नहीं था क्या, गुजरात से संबंधित था क्या ये जो विषय था, और जी हाँ जी हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी थी गुजरात पे संबंधित थी, इसलिए नहीं करी थी, असलिए इसलिए नहीं करी थी, नेशनल इंटीग्रेशन का काम सारा उन्होंने बिगाड़ा था, इसलिए डर के मारे नहीं आए थे रमन सिंह, और ये दो मुख्यमंत्री बाकी सब मुख्यमंत्री आए थे। पीएम ने मीटिंग बुलाई थी, पीएम ने कॉल किया था, गुजरात के मुख्यमंत्री को बुलाया था, तो प्रोटोकॉल नहीं टूटा, वो जाना बुक जाना असंभव था, क्यों, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है। वाह साहब वाह, कोशिश करें कि बंगाल पे केंद्रित रखें, प्रदीप जी तो जहां तक बंगाल का सवाल है, ममता जी को रोज हैरेस करना, रोज तंग करना, एक और अपडेट आया है, केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये समय राज्य सरकारों के लड़ने का नहीं है, मिलकर के कोरोना से लड़ने का है, काफी लंबा ट्वीट है, मैं जिस्ट बता रही हूँ आपको। नहीं उसके अलावा एक चीज देखिए ना मैडम, ये चीज देखिए कि अभी भी ममता जी ने एक रिक्वेस्ट करी प्रधानमंत्री जी से कि आपने खुद इनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया, अभी गुप्ता जी कह रहे हैं एहसान मानना चाहिए, अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसमें एहसान मानने क्या बात हो गई, एहसान कर दिया आज ने कोई अच्छा काम कर रहा है उसे आपने एक्सटेंशन दे दिया, एहसान एहसान अधिकारी है, आपको पता है उनके बारे में ना, पूरा करियर आपने करेक्टर पढ़ा है उनका, 1987 बैच के कर्मठ अधिकारी है, नहीं आपने पढ़ा गुप्ता जी, मैं तो पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूंगा, तो आप ही पढ़ेंगे, मैं क्यों पढ़ूंगा, एक अधिकारी 1987 बैच के, अगर उनको अच्छे नहीं, अगर अच्छा काम नहीं करता तो केंद्र एक्सटेंशन क्यों देता, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का अनुपालन नहीं करता, अगर अच्छे अधिकारी ना होते प्रदेश की मुख्यमंत्री को अपना सर्वेश्वर मान रहा तो बड़ा कार्यकारी तो हो गई। भाषा गुजरात के हर गधे और घोड़े को लाके आप केंद्र में बिठा देंगे, लाके उसको आईएएस अधिकारी को, आप जो अधिकारी को सब भाषा का ध्यान रखेंगे, मैं एक मिनट के लिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्रदीप जी अनिल जी से अनुरोध है कि एक तो भाषा का थोड़ा ध्यान रखेंगे, दूसरा अनिल जी मेरा सवाल ये है कि जैसे अल्पन नहीं गए, अब इसमें दो बातें आती हैं, वो खुद नहीं गए या ममता, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन है, उन्होंने रोक लिया, तो ऐसे में अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या आप अगर अल्पन की जगह होते तो क्या आप दोषी मानते हैं, मुख्यमंत्री अगर उन्हें डिलीव ही नहीं कर रही और वो नहीं जा रहे, और क्या उन्होंने डीओपीटी को लिख के भेजा मुख्यमंत्री मुझे रिलीव नहीं कर रही, क्या वो सजा के हकदार होंगे, मेरा ये सवाल है। ऐसा है डीओपीटी के हिसाब से केंद्र अगर कोई आदेश दे रहा है तो ऑल इंडिया सर्विस के तमाम अधिकारियों को उसे मानना आवश्यक है, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो या तो वो अपना लिख के भेजते भेजे कि भाई इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, वो प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, उनके ब्याह पर ममता जी सारे बयान जारी कर रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो डीओपीटी का कायदा है, नियम है, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी होगी अपने टाइम से, अपने हिसाब से, उसके बारे में मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि क्या कार्रवाई होगी, होगी भी या नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही अनिल जी, मेरा एक सवाल आप दोनों से ही है कि जो ये लड़ाई हो रही है, जो भी तकरार है, जो विवाद है, इसमें एक मुझे बहुत जो डर लग रहा है वो ये है कि बंगाल जैसा राज्य जो अभी चुनावी हिंसा से भी नहीं निपट पाया था, और पिछले साल वहां पे अम्फान तूफान आया, इस बार यास तूफान की तबाही, उधर कोरोना का कारणी काल, ऐसे में ऐसे विवादों से जो अल्टीमेट नुकसान होगा वो तो बंगाल की जनता को ही होगा ना अनिल जी, आप क्या कहते हैं? अगर इस प्रकार से जो पूरे देश के लिए ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स, ऑल इंडिया प्रोटोकॉल बने हुए हैं, अगर एक राज्य इस प्रकार से अपनी हठधर्मिता दिखाएगा और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा तो कल ये राज्यों के अंदर भी बढ़ेगा,
और इसके कारण से देश चलना मुश्किल हो जाएगा, देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। अभी तक हम केवल एक ही राज्य को कहते थे कि यहाँ पर पूरी अराजकता है, अब पश्चिम बंगाल उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस अराजकता के ऊपर, ठीक है ममता जी को पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली जो करना होगा पार्टी अपना देखेगी, जो भी संवैधानिक की संस्थाएं हैं वो उस पर कार्रवाई करेंगी, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस का जो मेंबर है उसको जब तक ऑल इंडिया सर्विस के अंदर वो मौजूद है तब तक उसको ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स और डीओपीटी के सर्कुलर्स को मानना अनिवार्य है। अगर वो नहीं मानता तो वो अपने आप को खुद इस बात के लिए ऑफर करेगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। पर अनिल जी इस बीच प्रधानमंत्री को सरकार को एक स्पेशल पैकेज तो देना चाहिए बंगाल को। ऐसा है पैकेज तो उनको जब उन्होंने अपना दिया है, अब केंद्र उसको एसेस करेगा, 20,000 करोड़ दिया है, 20,000 करोड़ की आवश्यकता है, 20,00,000 करोड़ की आवश्यकता है या 1,000 करोड़ की आवश्यकता है, इन्होंने दिया है ना, एक मिनट भी वहां पर रुक कर बोली नहीं उसके बारे में, कहीं जस्टिफाई नहीं किया अपने स्टैंड को, खाली पुलिंदा बना के दे चली आई वहां से। तो केंद्र के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे चीजों को, तभी उसके बाद में जितना अनुदान दिया जाता है वो तय किया जाता है ना अनुदान की राशि। फौरी अनुदान के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई 3 राज्यों को 1,000 करोड़ रुपया हम ऑफर कर रहे हैं, बाकी आवश्यकता होगी वो अनुमान लगा के आकलन करके दिया जाएगा। मनिंदर जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं अनिल जी से सवाल करना चाह रही थी कि रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार भले ही चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली रिपोर्ट करने का उन्होंने आदेश दिया है लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि उन्हें रिलीव करना सीएम के राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसे में ममता शायद से उनको रिलीव नहीं कर रही है, ये उनका राइट है, आप क्या कहते हैं? तो ये तो ऐसा है, इसकी व्याख्या तो संविधान विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, मैं इस बारे में कहने के लिए सक्षम। प्रदीप जी आप क्या कहना चाहेंगे, जो वहां की जनता इस समय झेल रही होगी और तूफान भी, कोरोना भी, चुनाव की हिंसा भी, आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्पेन जी सही मामलों में इस समय जो हालत है वहां की, कोविड बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, इलेक्शन के बाद फैल गया है, तूफान से 3-4 शहर वहां के तबाह हो गए हैं, इस समय कम से कम हम सब लोगों को इन दलगत बाधाओं के ऊपर उठकर ममता की मदद करनी चाहिए थी हर तरीके से। अगर वो कुछ गलत भी कह रही है, मैं मान रहा हूँ गलत कह रही है, गलत भी कह रही है तो इस समय की समय और परिस्थिति और काल को देखते हुए समय उठा जाता है, राजनीति वही होती है, अच्छा शासक वही होता है, राजनीति समझ और परीक्षित सब समय देख कर तब काम करे, उसके खिलाफ कुछ करना है बाद में कर लीजिए। इस टाइम से वो खुद कह रही है, अब उसने लिखा भी, रिक्वेस्ट भी करी है पीएम से कृपया करके इन सब बातों को भूल के उसको 3 महीने काम कर लीजिए, उसको काम करने दीजिए, इसलिए की बहुत बुरी हालत है और कोविड के बारे में A to Z जानकारी उसी व्यक्ति के पास है, सब लोगों से कोऑर्डिनेशन। हाँ मनिंदर जी, प्रदीप जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, अनिल जी से बात करा के फिर खत्म करते हैं। अनिल जी अपना विशेष अपनी टिप्पणी दे साहब आज की बातचीत पे, और क्या आपको लगता है सर के बाद बावजूद सारे विवादों के जनता को नुकसान ना हो इसके लिए क्या हुआ? नहीं ये तो सही है कि देखिए जो माहौल इस टाइम देश भर के अंदर चल रहा है ये जरूरी है कि सब पक्ष एकजुट होकर जो देश के समक्ष बड़ी चुनौती है उससे ही लड़ने के लिए सारी अपनी ऊर्जा और अपनी सारे ताकत लगाए, लेकिन जो बीच 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 में स्थितियां पैदा की जा रही हैं तो किसी एक पक्ष के द्वारा पैदा नहीं की हुई है ना, लेकिन अगर एक पक्ष आमादा होकर रास्ता बना के चलेगा तो फिर उससे माफी चाह रहा हूँ, मेरा नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है या वाईफाई बहुत तंग कर रहा है। मुझे लगता है जो अभी अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया पुष्पेंद्र जी, प्रदीप जी जुड़ गए हमारे साथ, इनसे भी इनका हाँ प्रदीप जी आपका लास्ट मिनट चाहेंगे, जो अभी जैसे ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, माफी चाहते हैं पुष्पेंद्र जी, माफी चाहते हैं, वाईफाई बहुत तंग कर रहा है इसलिए कुछ बात नहीं थी। अच्छा रिक्वेस्ट ये है कि इस समय इन सब बातों को राजनीतिक बातों को छोड़कर अगर हम लोग ममता की मदद करें, स्टेट के हालातों को देखकर स्टेट की मदद करें और 3 महीने उसको वहां रहने दें तो 3 महीने का टाइम खुल पड़ा तो बुरी बात नहीं, गलत नहीं हो जाएगा, तो इससे देश टूट नहीं जाएगा, तो देश में आंधी तूफान नहीं आ जाएगा दिल्ली में। इस पैसे इशू को एक प्रधानमंत्री को बड़ा दिल करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि प्रधानमंत्री, मुझे लगता है मुझे प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो उनको सही ज्ञान नहीं देते, लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात अच्छा। करते हैं, जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही प्रदीप जी। मनिंदर जी कोई और बात करना चाहेंगे आप तो आप सवाल कर ले अनिल जी से, प्रदीप जी से।
जी, नहीं मैं आपकी टिप्पणी में चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से माहौल चल रहा है, क्योंकि जो दूसरी अन्य पार्टियां वो भी यही बात कह रही है कि जो माहौल चल रहा है देश में उसमें ये चीज जो है इस पे लड़ना थोड़ा ठीक बात नहीं है, आप क्या कहते देखिए, हैं? देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कभी भी जज नहीं हो सकते, यही हमें सिखाया भी गया पत्रकारिता में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अहम का टकराव, जिसे हम देसी भाषा में मूछ की लड़ाई कहते हैं, वो दोनों जगह चल रही है। और नेता प्रतिपक्ष के जहां तक बुलाने की बात है, इसके पीछे विवाद ये था कि शुभेंदु अधिकारी वहां मौजूद थे जैसा प्रदीप जी ने कहा था, और प्रतिपक्ष के नेता को वहां बुलाया गया, लेकिन असलियत ये भी है कि जब गुजरात दौरे पे प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बुलाया। उड़ीसा में उन्होंने न्योता जरूर दिया था, पर नेता प्रतिपक्ष उड़ीसा में शायद उस समय बीमार थे और वो नहीं आ पाए। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को वहां देखकर ममता को भी दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन शायद ममता जी अपने को नहीं बदल पाएंगी और वो उसी आक्रामकता के लिए जानी भी जाती है, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने उन्हें हरा दिया नंदीग्राम में, तो वो कसक तो कहीं दिल में बाकी है, लेकिन इन कसक को, इन छोटी बातों को दरकिनार करके और प्रधानमंत्री का यथोचित सम्मान करते हुए ममता जी को केंद्र से ऐसे समय में मदद लेनी चाहिए और केंद्र को एक बड़े भाई और अभिभावक के रूप में बंगाल की मदद करनी चाहिए। यही मेरा संदेश अपने पाठकों को है और इस देश के राजनेताओं को है कि हम अपनी लड़ाई में जनता को ना पिसने दें। और बहुत अच्छी बात कही आपने। अनिल जी का और प्रदीप जी का आज का ये विचार उत्तेजक जो जो जोश है अनिल प्रदीप जी का वो सामने आ जाता है, और अनिल जी का संयम और धैर्य और अनुभव भी हम देख पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज अनिल जी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, फिर भी उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमें ज्वाइन किया। और प्रदीप भी आज बहुत व्यस्त है, प्रदीप जी भी, लेकिन वो हमेशा इस विषयों पर बात करने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। अनिल जी शुभ स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। विश्वेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।